जो खबरें कल आई हैं जैसे मोहम्मद के चीफ के बारे में, उसकी पुष्टि अभी पाकिस्तान सरकार से होनी है, लेकिन भारत सरकार जो है वो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए जो भी निर्णय होएगा वो उचित समय पे उचित निर्णय भारत सरकार की तरफ से सामने आएगा। जैश ए मोहम्मद के मुखिया को अगर पकड़ा तो वो तो खैर अच्छी बात है, लेकिन ऐसी चीजें पहले भी पाकिस्तान करता रहा है। आपको याद होगा जब हाफिज सईद यहाँ से गए थे तो कुछ समय तक उन्हें भी जेल में डाल के रखा, और उसके बाद ये पता चला कि पाकिस्तानी सरकार ने उनके जो वहाँ के अदालतें हैं उनको ऐसे कोई सबूत ही नहीं दिए कि जिसके कारण हाफिज सईद जो है जेल में लंबी तौर तक रहें या उनको सजा मिले। ना उन्होंने उसको हिंदुस्तान भेजा जहां वो बंबई में जो एक जघन्य कांड हुआ था उसकी अपनी सजा पा सके। तो पाकिस्तान ऐसी चीजें करता है केवल दिखावे के लिए। देखिए, किसी को आप पकड़ के एक बार जेल में बंद कर दें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आप सबूत इकट्ठा करें और किसी के खिलाफ कार्रवाई को अपने अंतिम चरण तक ले जाएं, तब बात बनती है। सिर्फ अरेस्ट करके उसके बाद छोड़ देना क्या मतलब? और पाकिस्तान में तो ये भी नहीं पता है कि घर में बंद हैं क्या वो और लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं कि नहीं, उनके संवाद चल रहा है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ घर में बैठ के या कहीं एक जेल में बंद करके किसी की जो क्रियाएं हैं या काम है उन पर भी क्या आप रोक लगा पा रहे हैं? इस पर तो पाकिस्तान के बारे में शक होता है। जहां तक बातचीत की बात है, कांग्रेस ने तो हमेशा कहा कि बातचीत चलनी चाहिए और निरंतर चलनी चाहिए, क्योंकि बातचीत के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। आपको याद होगा आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने एक बड़े प्रसिद्ध अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि भाई देर इज नो अल्टरनेटिव टू टॉक्स, कोई विकल्प नहीं है बातचीत का। उस समय भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी और इनके तमाम जो आज सरकार में हैं उन्होंने मखौल उड़ाया था उस बात का, हंसी उड़ाई थी और कहा था कि पाकिस्तान से बात करना एक तरह से अपनी देश की प्रभुता अखंडता और उसकी सम्मान